पाँच साल की उम्र में जब पिता का साया सर से उठ जाए तो परिवार बिखर सा जाता है। एक अकेली माँ जिसके दो छोटे बच्चे हैं और उसने अपना पति खोया हो, बेटा पढ़ने की बजाय क्रिकेट खेलना चाहता हो, तो सोचिए उस घर में क्या सिचुएशन रही होगी। अपनी माँ से कुछ सालों का वक्त मांग के बुमराह ने मेहनत करी। अपने मेहनत, डेडिकेशन और यूनिक बॉलिंग एक्शन से इस बंदे ने आईपीएल में अपनी जगह तो बना ली, लेकिन उसके अगले ही साल एक नी इंजरी ने बुमराह को जमीन पर लापटका। दोस्तों, अगर आपको हमारे चैनल की कंटेंट पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। ये आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए एक मोटिवेशन है टू गिव यू वैल्यू कंटेंट। जसप्रीत जसबीर बुमराह का जन्म 6 दिसंबर 1993 को गुजरात के अहमदाबाद शहर में हुआ। पिता जसबीर सिंह एक बिजनेसमैन थे और माँ दलजीत बुमराह प्राइमरी स्कूल की प्रिंसिपल है। हर बच्चे के तरह बुमराह का भी बचपन से क्रिकेट में इंटरेस्ट था, लेकिन बैटिंग के जगह उन्हें बॉलिंग ज्यादा पसंद थी। बुमराह टीवी पर फास्ट बॉलर्स को देख के उनको कॉपी करने की कोशिश करते थे। बाउंड्री छोटी होने की वजह से बुमराह को अपनी रनअप छोटी रखनी पड़ती थी। इन सब से बुमराह का छोटा रनअप विद यूनिक बॉलिंग एक्शन डेवलप हुआ। बुमराह ने अपनी स्कूलिंग निर्माण हाई स्कूल वस्त्रापुर अहमदाबाद से की। उनकी माँ इसी स्कूल के प्री प्राइमरी सेक्शन की प्रिंसिपल थी। जब बुमराह 5 साल के थे तब एक गंभीर बीमारी की वजह से उनके पिता की डेथ हो गई। फैमिली के लिए ये एक बहुत ही बड़ा सदमा था। बुमराह की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि दोनों बच्चों की परवरिश वो अकेले कैसे करेंगी। उन्होंने हिम्मत दिखाई और दिन रात एक करके अपने परिवार की जरूरतों को पूरा किया। गर्मी के दिनों में जब बुमराह की माँ थोड़ा आराम करने जाती थी तो बुमराह की बॉलिंग प्रैक्टिस की आवाज से वो तंग हो जाती थी। बुमराह से कहती थी, बेटा मुझे आराम करना है, शोर मत करो। तब बुमराह दीवार के एकदम करीब जमीन पे बॉल फेंकते थे जिससे बहुत कम आवाज होती थी और बुमराह बॉलिंग भी कर पाते थे। जाने अनजाने में बुमराह यॉर्कर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। बुमराह अपने स्कूल के रॉयल क्रिकेट एकेडमी में प्रैक्टिस करते थे। जब बुमराह अपने यूनिक एक्शन से बैट्समैनों की किल्लियां उखाड़ते थे तब दूसरे एकेडमी के कोच और ट्रेनर बुमराह के बॉलिंग एक्शन का मजाक उड़ाते थे और उसे इलीगल कहते थे। लेकिन बुमराह के कोच किशोर त्रिवेदी ने उनकी बॉलिंग एक्शन कभी भी बदलने की कोशिश नहीं की। 10th के बाद 14 साल की उम्र में बुमराह ने अपनी माँ से कहा, मुझे क्रिकेटर बनना है। माँ परेशान थी कि लड़का पढ़ेगा नहीं तो फ्यूचर में क्या करेगा। माँ कोच से मिली। कोच ने कहा, इस लड़के में टैलेंट है, इसको थोड़ा वक्त दे दीजिए। माँ ने बुमराह से कहा, तुमको ग्रेजुएशन तक का वक्त देती हूँ, उसके बाद कनाडा अपने कजन्स के पास जाना पड़ेगा। बुमराह ने पूरी शिद्दत से मेहनत करनी शुरू की। माँ के सुबह उठने से पहले वो ट्रेनिंग पे चले जाते थे। माँ के स्कूल पहुँचने से पहले वो स्कूल में रहते थे। बुमराह ने अब तक कोई भी एज ग्रुप लेवल का क्रिकेट नहीं खेला था, लेकिन क्लब क्रिकेट में वो कंसिस्टेंट परफॉर्मर थे। 17 साल की उम्र में अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी अनिल पटेल ने अंडर 19 अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट टीम के ट्रायल्स के लिए बुमराह को बुलाया। उन्होंने बुमराह को शहर के MG साइंस कॉलेज में बॉलिंग करते देखा था। सेलेक्शन पैनल के 2 सेलेक्टर्स को बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे डाउट थी, लेकिन अनिल सर ने कहा, लड़का अच्छा बॉलिंग कर रहा है, मेन स्क्वाड में नहीं तो इसे रिजर्व प्लेयर्स में तो रख ही सकते हैं। टीम पहली 3 मैच जीत गई। अगले मैच में सभी रिजर्व प्लेयर्स को खिलाया गया। बुमराह ने उस मैच में 7 विकेट झटके और सभी को अपने बॉलिंग से जवाब दे दिया। कोच किशोर त्रिवेदी ने कहा था, अपनी बॉलिंग एक्शन कभी भी मत बदलना, यही तुम्हारा हथियार है। बुमराह को एक अच्छे स्पोर्ट्स शू की जरूरत थी। माँ के साथ वो नाइकी के शोरूम में गए, लेकिन वहां के शूज बजट से बाहर थे। माँ बुमराह को नई शूज नहीं दिला पाई। बुमराह ने माँ से कहा, कोई बात नहीं माँ, एक दिन मैं ये जूता जरूर खरीदूंगा। अपने अच्छे परफॉर्मेंस के वजह से बुमराह का MRF पेस फाउंडेशन में सिलेक्शन हो गया। बॉलिंग लेजेंड ग्लेन मैकग्रा ने भी बुमराह से कहा, ये बहुत ही यूनिक बॉलिंग एक्शन है, इसे मत बदलना। वहां के ट्रेनिंग से बुमराह को बहुत फायदा हुआ। बाद में नेशनल क्रिकेट एकेडमी बैंगलोर में भी बुमराह ने प्रैक्टिस करी। 2012 में बुमराह ने महाराष्ट्र के खिलाफ अपना T20 डेब्यू किया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के डेब्यू मैच में ही उन्हें अपने परफॉर्मेंस की वजह से मैन ऑफ द मैच का टाइटल मिला। टूर्नामेंट के 9 मैचों में बुमराह ने 10 विकेट्स लिए विद एन एवरेज ऑफ 22.40 एंड इकोनॉमी ऑफ 6.58। बेस्ट फिगर्स फाइनल में पंजाब के खिलाफ आया जिसमें उन्होंने 14 रन देकर 3 विकेट झटके और गुजरात को टाइटल जितवाया। बुमराह की इकोनॉमी तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उन्हें विकेट उतने नहीं मिल रहे थे। उसी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के सीजन में कुछ ऐसा हुआ जिसने बुमराह की करियर को एक नया मोड़ दिया। दूसरा मैच मुंबई के खिलाफ था।
जॉन राइट, जो कि उस वक्त मुंबई इंडियंस के हेड कोच थे, वो स्टेडियम अक्षर पटेल की परफॉर्मेंस देखने आए थे, लेकिन बुमराह की बॉलिंग एक्शन और एक्यूरेसी से वो इम्प्रेस हो गए। हालांकि उस मैच में बुमराह को सिर्फ एक ही विकेट मिली, लेकिन उन्होंने बुमराह को मुंबई इंडियंस की टीम में शामिल कर लिया। 4 अप्रैल 2013 को 19 साल की उम्र में अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही बुमराह ने आरसीबी के खिलाफ अपना आईपीएल डेब्यू किया। पहले ही ओवर में बुमराह को कोहली ने 3 चौके मारे, लेकिन बुमराह ने कमबैक किया और अगले ही ओवर में कोहली को एक बेहतरीन इनस्विंगर से LBW आउट कर दिया। वो बुमराह के आईपीएल का पहला विकेट था। मुंबई इंडियंस के कैंप में बुमराह को लसित मलिंगा ने काफी गाइड किया। मलिंगा और बुमराह के बीच काफी अच्छी बॉन्ड बन गई, क्योंकि मलिंगा ने जब अपनी करियर की शुरुआत करी तो उनकी भी यूनिक बॉलिंग एक्शन पर लोगों ने सवाल उठाए। कहा बस 6 महीने बाद इसकी एक्शन चेंज हो जाएगी, और बुमराह को लोगों ने 8 महीने कहा था। मलिंगा के एक्सपीरियंस से बुमराह ने काफी कुछ सीखा, जिससे उनका लर्निंग कर्व थोड़ा कम हो गया। वो इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार हो रहे थे। 2014 दिल्ली ट्रॉफी मैच के वार्म अप में उन्हें नी इंजरी हो गई, जिसकी वजह से उन्हें नी सर्जरी करवानी पड़ी। सर्जरी के बाद उन्हें लगा उनका करियर तो खत्म है, लेकिन उन्होंने अपने फिटनेस पे ध्यान दिया और कमबैक किया। 2015-16 विजय हजारे ट्रॉफी में बुमराह के बॉलिंग एक्शन पे फिर से सवाल उठे, लेकिन बुमराह ने अपने परफॉर्मेंस से उनको जवाब दिया। 23 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना ODI डेब्यू किया। उस मैच में जहां सभी सीनियर बॉलर्स की इकोनॉमी 6 से ऊपर थी, वहीं बुमराह ने अपने डेब्यू मैच के 10 ओवर में 40 रन देकर 4 की इकोनॉमी से 2 विकेट लिए। 2 दिन बाद 26 जनवरी 2016 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपना T20 इंटरनेशनल डेब्यू किया, और डेब्यू पे उन्होंने 3 विकेट झटक के इंडिया को 37 रन से मैच जितवाया। 2017 ICC चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में बुमराह ने फकर जमान को आउट किया, लेकिन वो नो बॉल था। फकर जमान ने वहां से सेंचुरी मारा और इंडिया वो मैच हार गई। लोगों ने सोशल मीडिया पे बुमराह को बहुत ट्रोल किया। 5 जनवरी 2018 को साउथ अफ्रीका के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया। उस मैच में बुमराह ने एक ही विकेट ली, लेकिन वो विकेट ABD का था, वो भी क्लीन बोल्ड। 6 जुलाई 2019 को बुमराह ने ODI में अपना 100 विकेट पूरा किया, और ऐसा करने वाले वो सेकंड फास्टेस्ट इंडियन बन गए आफ्टर मोहम्मद शामी। 28 अक्टूबर 2020 को बुमराह ने IPL में अपना 100 विकेट पूरा किया, और वो विकेट विराट कोहली का था, पहला और 100वां विकेट दोनों विराट कोहली का। 7 सितंबर 2021 को बुमराह ने टेस्ट मैच में अपना 100 विकेट पूरा किया, फास्टेस्ट इंडियन टू डू सो सिर्फ 24 मैच में, कपिल देव को पीछे छोड़ जिनको 25 मैच लगे थे इस कीर्तिमान को हासिल करने में। तो ये थी कहानी एक ऐसे प्लेयर की जिसने अपने बचपन में बहुत कुछ खोया, अपनी माँ का हार्डवर्क देखा, और अब अपने हार्डवर्क और डेडिकेशन से इंडियन क्रिकेट टीम की बॉलिंग को नई ऊंचाइयों तक लेके जा रहे हैं। पूरे वर्ल्ड के लिए जसप्रीत बुमराह एक इंस्पिरेशन है। पिता जसबीर जी जहां होंगे अपने बेटे के अचीवमेंट्स को देखकर प्राउड फील कर रहे होंगे। तो हम लोग प्रे करते हैं बुमराह यूं ही अपने यूनिक एक्शन से विकेट तोड़ यॉर्कर्स मार के बैट्समैनों को आउट करते रहें और इंडियन टीम को एक नई ऊंचाइयों तक लेके जाएं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें अपना और अपनों का।